हुआ कि माँ की याद आ रही तो एक बार देखने चले जाए। याद आई तो भी नहीं, रोती चुप बैठ जाए। कभी माँ का फोन, कभी पापा का फोन, कभी अपने फोन नहीं किया। कहानी उन लोगों की जो हमेशा आपकी हमारी खुशियों बुलाए या फिर बिन बुलाए शरीक हो जाते हैं, जो हमेशा आपके और हमारे लिए दुआएं मांगते हैं कि हमारी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, लेकिन उनकी खुद की झोली खाली रह जाती है। जी हम बात कर रहे हैं किन्नरों की। उज्जैन आई किन्नर सेली राय से हमने बातचीत की। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर कोरबा जिले पे हुआ था। मैंने अपना स्टडी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, परंतु ये जो ग्रेजुएशन का जो लाइन था, ये जो सफ़र था, बहुत दुखदायी था। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक हिजड़ा थी, अंदर से हिजड़ा थी मैं। समाज मुझे पता नहीं क्या समझता था क्या नहीं समझता था, फैमिली क्या समझती थी क्या नहीं समझती थी, मैं कभी जान नहीं पाई ना वो मुझे जान पाए। स्कूल लाइफ मैंने ले देकर कंप्लीट किया। लोग मुझे बीचिंग करते थे, मेरे बारे में गलत कहते थे कि मैं ऐसी हूँ मैं वैसी हूँ करके। ले देकर मैंने स्कूल लाइफ कंप्लीट किया। माँ बाप हमेशा मुझे टॉर्चर करते थे। बचपन में मुझे खेलने की इच्छा होती थी गुड़िया गुड्डे से। मन करता था कि गुड़िया को लेकर मैं उसे साड़ी पहनाऊँ और उसे अपने बाहों में लेकर बस थपथपी देते रह जाऊँ। पर पीछे से माँ का आवाज़ आता था और सामने से पापा आकर मुझे डांटते थे, ये क्या कर रहे हो तुम, ये बैट बॉल है, तुम बैट बॉल पकड़ो। मैं बहुत आश्चर्य हो जाती थी उस समय, बहुत चकित हो जाती थी इस चीज़ को लेकर। उस समय तो मैं कंफ्यूज में थी कि मेरे लिए है क्या चीज़ ये बैट बॉल जिसे कहते हैं, क्योंकि मैं अंदर से एक नारी का रूप था मेरा। उस चीज़ को खैर फैमिली समझ नहीं पाई। स्कूल लाइफ में जब गई, आगे बढ़ते गए, स्टडी जब मेरी कंप्लीट होते गए, धीरे धीरे मैं जाती गई स्कूल में। दोस्त यार कभी मेरे से फ्रेंडशिप नहीं की। किसी लड़के ने कभी मुझे कंधे लगा कर कभी नहीं कहा कि यार तू मेरा दोस्त है करके। उस समय भी मुझे लगता था कि मुझे कोई छूत की बीमारी है क्या, कि मैं हूँ क्या चीज़। उस समय फिर मेरे अस्तित्व को टटोला जाता था कि मैं हूँ क्या। घर में आकर मम्मी से शेयर करती थी इस बात को, तो मम्मी भी मुझे डांटती थी कि तू लड़का जैसे रहे। फिर मेरी अस्तित्व घर में भी वही ना होता था। इस रूप को लेकर और इस दर्द को लेकर मैंने 12th कंप्लीट किया। कॉलेज मैंने प्राइवेट किया, प्राइवेट में भी फिर वहीं पर वही चीज़ आ गई। लड़के दोस्त नहीं रहे, लड़कियाँ मेरा सपोर्ट करती थी। वहाँ पर भी वही कहा जाता था कि तू छक्का है, तू मामू है, आज शब्द यूज़ किया जाता था हमेशा मेरे बारे में गलत चीज़। तो ये सब कंप्लीट मिलाकर जो मैंने अपना बचपना खोया, जो मैंने अपना किशोरावस्था खोया, जो मैं अपनी जवानी खोते गए, ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं एक हिजड़ा थी, सिर्फ इसलिए कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं जिस्म एक और रूह दूँ, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं था। परिवार वो भी मार के, लात मार के। मेरे पापा हाई एजुकेशन है, अच्छे बड़े पोस्ट में है, किस पोस्ट में उसको बोलूंगी नहीं, अच्छे बड़े पोस्ट में है वो। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि उनके दोस्त उन्हें हमेशा कहते थे और बोलते थे कि तुम्हारा बेटा ऐसा है वैसा है करके। शायद वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे उस चीज़ को लेकर, मेरे को लेकर, कि मेरा रूप क्या है, मेरा रंग क्या है, मेरा तन क्या है, मेरा मन क्या है करके, इन चार पांच चीज़ों को लेकर शायद वो कन्फ्यूज रहते थे। उन्होंने घर से निकाल दिया मुझे। घर से जब निकाले, मेरे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं था, ना कोई जगह था, ना कोई प्लेस था। मैं बिलासपुर में आज भी प्रचलित है सिम्स के नाम से हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल के मर्चुरी के जस्ट नीचे में एक जनरल वार्ड आता है। उस वार्ड पे मैं 2.5 महीने रही। उस वार्ड के पास एक चौकीदार बैठता था, स्ट्रक्चर था वहाँ पर जिसमें लाश ले जाते थे लोग। उस लाश पे मैं बोरी में बिछा कर मैं सोती थी। वहाँ पर मैंने 2.5-3 महीना ऐसे गुजारा। 10-20 रुपये कलेक्शन करके मांग कर मैंने पेट रोजी पाली अपने, जैसे हुआ जैसा मुझसे बन सका वो सीख किया। एक वक्त आया मुझे किन्नरों से मेरी मुलाकात हुई। मैं उनके साथ आ गई। उनके साथ आई तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मुझे रहना पड़ेगा, तो इनके हिसाब से रहना पड़ेगा और मुझे भिक्षावृत्ति करना पड़ेगा। मैं 11th कंप्लीट करके मैं 12th कंप्लीट करना चाहती थी। मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे पढ़ाई करना ही है, स्टडी कंप्लीट करना है करके। उस स्टडी के जुनून को लेकर मैंने कहा ठीक है आप बताइए मुझे क्या काम करना होगा। उन्होंने दूसरे दिन मुझे ले जाकर ट्रेन पर खड़ा कर दिया।
और उन्होंने कहा यहाँ पर तुम्हें कलेक्शन करना, कलेक्शन करना चलो। वहाँ पर फिर मेरा मन रोया कि मैं कर क्या रही हूँ और हो क्यों रहा है मेरे साथ ऐसा। फिर वहीं पर वही क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि मैं किन्नर थी, एक ट्रांसजेंडर हूँ करके। मैंने कलेक्शन किया, 2.5 साल 3 साल मैंने मांगा ट्रेनों पे। उन ट्रेनों पे जो मैंने कलेक्शन किया, जो पैसे आए, जो आमदनी मैंने किया, उन आमदनी को जोड़कर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। प्राइवेट मैंने किया सीएमडी कॉलेज से। कहाँ से किया? सीएमडी कॉलेज से, बिलासपुर से। बिलासपुर जी। और साथ में मैंने बोला, मेरे मन में था एक, यानी कि कहते हैं ना, एक जोश सा था मेरे मन पे कि पढ़ाई के साथ मुझे और भी कुछ करना है। मैंने प्लस फैशन डिज़ाइनिंग किया साथ में, प्लस प्रोफेशनल मल्टीमीडिया भी साथ में किया। 3 कोर्स मैंने अपने आप से, अपने दम पे, उस ट्रेन के पैसे से कंप्लीट किया। मेरा बस आगे का यही चीज़ है कि जो सोसाइटी, हम जैसे बच्चों को जो एक्सेप्टेशन नहीं मिल पा रही है, जो हमें तुच्छ मान रही है, जो सोच रही है कि हम किसी आसमान से या ग्रह से टपके हैं, या जो सोच रहे हैं कि हमें पैदा करने वाली माँ नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिस माँ ने आपको पैदा किया होगा, जनरल पॉपुलेशन से मैं कह रही हूँ चीज़ को, जिस माँ ने आपको पैदा किया होगा 9 महीना कोख में रखकर, जिस दर्द से आपको निकाला होगा, मुझे जहाँ तक लगता है मेरी माँ ने भी मुझे 9 महीना रखा कोख में और उसी दर्द से मुझे भी निकाली होगी। मुझे ऐसा फील होता है, मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं तो बचपन में छोटी थी पर मेरी माँ ने भी मुझे निकाला, तो फिर मैं अलग कैसे? ये सोसाइटी क्यों ऐसा सोचता है कि मैं आसमान से टपकी हूँ या दूसरी ग्रह की? इस चीज़ को, इस ध्येय को, इस धारणा को मिटाना चाहती हूँ इस कुंभ के जरिए, इस मेरे जो लड़ाई हो रहा है, जो मैं लड़ रही हूँ समाज से, इसके थ्रू मैं इसे पढ़ाना चाहती हूँ। और गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहती हूँ कि आयोग की गठन करें, आयोग बनाए, ताकि हम जैसे जो बच्चे हैं अभी, जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं, जो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी चीज़ को करने का, शायद कहीं ना कहीं से हमारे रोजगार का, एजुकेशन का ऐसा कोई माध्यम, शायद हम भी जिस जिंदगी जी सकेंगे जैसे एक नॉर्मल लड़का, एक नॉर्मल लड़की जी। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं चलती है, राशन कार्ड बनता है या आधार कार्ड बनता है, गवर्नमेंट इस तरह की कोई सुविधाएं या राशन के लिए, जैसे बीपीएल के कार्ड बनते हैं, कुछ सपोर्ट या कोई ऐसी योजना है तो के लिए? यही तो परेशानी है, यही चीज तो है। सरकार बस कहती है, करती कुछ और है, पता नहीं सरकार चाहती क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि सरकार को तो मशीन गन लगवा करके हम जैसे बच्चों को और हम जैसे हिजड़ों को मार देना चाहिए, ताकि समाज के, सरकार के सामने ये सब क्वेश्चन और आंसर चालू ही मत हुए, क्योंकि उनकी नज़र में हम इंसान ही नहीं है ना। अगर सरकार हमें इंसान मानता तो सुप्रीम कोर्ट से जब हमें अथोराइज मिल चुका है, 377 धारा जब लागू हो चुकी है, जब इतने सारे एडवोकेसी हो चुके हैं, तो आयोग का गठन क्यों नहीं? सरकार क्यों हमारे लिए अवेयरनेस कहीं नहीं बढ़ा रहा है? सोसाइटी में क्यों ये चीज़ नहीं फैला रहा है कि हम भी एक बच्चे हैं, हमारा भी एक आस है, हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारा भी कुछ वजूद है? इस चीज़ पे क्यों नहीं काम कर रहा है सरकार? सुनने में ये भी आता है कि कई किन्नर इन सारी परेशानियों के कारण हिंदू धर्म से परिवर्तित हो रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल। आज अगर बात करेंगे सिंहस्थ को लेकर और ये सनातन धर्म को लेकर, तो ये बात तो बिल्कुल उठती है। ये चीज़ को लेकर तो मैं बिल्कुल कहूँगी उन गुड़ी जनों से और उन साधु संतों से, हमारे 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं और जो महान हस्तियाँ हैं, उनसे जरूर पूछूंगी। अगर सनातन धर्म में मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, बौद्ध को, हर एक सोसाइटी का इंसान हमारे सनातन धर्म में बाइज्जत से, बड़े इज्जत से रह रहा है और रखा जा रहा है, सभी हैं इंडिया में, मुझे जहाँ तक लगता है हमारे सनातन धर्म में, तो हमें क्यों ऐसा परे कर दिया गया है हर एक चीज़ से? हमें क्यों तुच्छ मान दिया गया है? अगर हम सनातन धर्म के नहीं हैं, अगर हम हिंदुत्व नहीं हैं, तो हम क्या हैं? शायद इस चीज़ का आंसर वो जो गुड़ी जन है मेरे, वही दे पाएंगे। एक सवाल है, हो सकता है व्यक्तिगत, अभी तक के जीवन में सबसे अच्छा आपके जिंदगी का क्या रहा और सबसे बुरा क्या रहा? सबसे अच्छा मतलब जिसने बहुत खुशी दी हो। खुशी मेरा, मुझे खुशी तो मैंने कभी देखा ही नहीं, खुशी मुझे कभी नहीं दिखा। जिस माँ ने पैदा किया उसने ही खुशी नहीं दे सका, जिस बाप ने चलना सिखाया उसने खुशी नहीं दे सका, जिस भाई बहन के साथ मैं चली हूँ, खेली कूदी हूँ, उन लोगों ने कभी मुझे खुशी नहीं दे सका। पता नहीं मेरे जिंदगी में कभी खुशी शब्द आया है कि नहीं आया है। दुख की अगर बात करेंगे तो हर एक जिंदगी, हर एक पल, हर एक घड़ी मैं आग पे चलती हूँ इस रूप को लेकर। कभी परिवार से संपर्क हुआ? नहीं, आज 12 साल हो गया घर परिवार से दूर रहते हुए। माँ से कभी कभी बात हो जाती है फोन पे, उतना ही बहुत है मेरे लिए।
तो खुशी शब्द मुझे नहीं लगता हम हिजड़ों में और हम किन्नरों में कभी ये शब्द कभी आ सकता है। इसी चीज़ की लड़ाई कर रही हूँ मैं, चाहती हूँ कि जो जनरेशन अभी आने वाला है हमारा किन्नर समुदाय का, उन्हें खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, इस चीज़ के लिए आज यहाँ पर। फिर भी सबसे ज़्यादा याद तो माँ की आती होगी। बहुत आती है, आप इतना डिप्टी मत लेकर जाइए मुझे। माँ जगत जननी है, माँ करता धरता है, माँ ना होती तो शायद मेरा आज अस्तित्व भी ना होता, मैं जन्म भी ना लेती अगर माँ ना होती तो। जैसा अभी मैं सवाल पूछा था, आपने कहा ना कि जिस माँ की कोख से पैदा हुई उसने ही नहीं रखा, नहीं पाला, माँ के लिए मजबूरियां रही होगी, आज उनको प्रेम है इसने आपसे, इसलिए वो बात करते हैं आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल, और आप भी बिल्कुल, सबसे बड़ी खुशी आपको तब मिलती होगी जब आप आपकी माँ से बात करते होंगे, प्यार से पूछते होंगे कैसे हो बेटा। बिल्कुल सही बात है, ये चीज तो बिल्कुल कह रहे हैं आप, तो कह रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं। पर क्या होता है ना, इंसान जब आगे बढ़ते जाता है, जब ग्रोथ करता है, तो 2 साल अच्छा मिल जाए, फिर 10 साल उसको तकलीफें मिले, तो वो जो 2 साल अच्छा मिलता है ना, वो भी थोड़ा कम लगने लगता है। कहने का तात्पर्य ये है, माँ ने तो पैदा कर दिया, माँ ने तो पाल पोस का थोड़ा बड़ा कर दिया मुझे, अपने पैर में खड़े होने लायक मुझे छोड़ दिया, मानती हूँ चीज़ का। पर जब मैं अकेले रहती हूँ, जब मुझे सहारा की जरूरत होती है, तब शायद वो माँ मेरे पास रहती नहीं, तब तो दिल में फिर चोट आती है, दिल दुखता है फिर उसे, तब फिर उस माँ से भी घृणा नहीं बोल सकती, उस माँ से भी गुस्सा आता है, बस रूठ सी जाती हूँ कि वो माँ मुझे ऐसा क्यों कर रही है, क्यों ना मेरी बड़ी बहन की तरह मुझे प्यार दे रही है, क्यों मेरे बड़े भाई की तरह मुझे प्यार क्यों नहीं दे रही है, ये क्वेश्चन अपने आप में बोलते जाती हूँ और सुनते जाती हूँ, बस झापना बोलना चलते ही रहता है बस अपने आप में। तो खैर आपका जो अभी संघर्ष है वो एक तरीके से अग्निपथ है, लेकिन हम आपके संघर्ष में आपको सफलता मिले उसकी कामना करते हैं।